हो मैं हो। हमारी मिथिला के स्वेग मंत्रीवर भगवान शंकर के मल्लों के द्वारा वेदिका पर धनुष रखवाया जाए, क्योंकि ये द्वादश मास से चला आ रहा मैथिली अधिवेशन, जिसमें देश देशांतर की राजाओं का महिपालों का आगमन हो रहा है, इसलिए ये कार्य शीघ्र किया जाए। मेरा क्या हो महाराज कबीर मल्लो, अरे बम भोले बम भोले बम भोले, तुम खा लो गरी के बोले। महाराज लोग के द्वारा वेद का पर सबका विशाल अजगौ का स्थापित हो गया है, क्यों ना हो, क्योंकि आज हमारी बेटी जानकी के स्वयंवर का अंतिम दिन है। द्वादश मास से चला आ रहा यह अधिवेशन, आज मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करूंगा कि ये धनुष टूट जाए और हमारी सीता की सूनी मांग में सिंदूर भर जाए, क्योंकि जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक हमारा ये कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो हे भोलेनाथ, आज अपनी कृपा इस मिथिला प्रांगण में कर दो, क्योंकि हमारी बेटी जानकी ने हाथों में मेहंदी लगाई है, पैरों में महावर लगाया गया। मैं इस प्रतीक्षा में हूं कि कब वो महावर आए कि धनुष को तोड़ करके जानकी की सूनी मांग में सिंदूर भरे। हरे हरे हरी बोला।
दधीच की अस्थियों से बने हुए अजगर, अगर हमारी बेटी जानकी ने छोटी अवस्था में तुम्हें ना उठाया होता तो शायद ये प्रतिज्ञा मैं न करता। एक बार हमारी नन्ही सी सीता ने देखा कि धनुष पर धूल चढ़ी है, बाएं कर से उठा लिया खेल खेल में, सुंदर वेदिका पर हीरे मोतियों से चौक बना करके प्रतिस्थापित कर दिया। जब ये समाचार मुझे प्राप्त हुआ तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस धनुष को आज तक कोई हिला भी नहीं पाया और छोटी सी सीता ने खेल खेल में उठा लिया। अब बर की खोज कैसे हो? तो मैंने बर की खोज करने के लिए धनुष को माध्यम बनाया कि जो वीर उठा करके धनुष को दो खंड में विभाजित करेगा उसके साथ में लाली सीता का पाणी ग्रहण संस्कार करूंगा। आज सीता के स्वयंवर का अंतिम दिन है तो कीन ही नित पूजा। हे अजगो, जब से तुम मुझे प्राप्त हुए तो मैंने तुम्हारी बहुत पूजा की, लेकिन आज पूजा का फल मुझे प्रदान कर दो। कीन्ही नित पूजा नित आरती उतारी नाथ, जान परत आज दिवस अंतिम तुम्हारा है। सीता के भाल बिंदु चमकन को दीना नाथ, प्रण है हमारा पर आसला तुम्हारा है। देह तुम्हें बार बार दीजिए आशीष झुका, ये मस्तक हमारा है। दीजिए आशीष झुका मस्तक हमारा है। ये बेटी है क्या? बेटी तो पराया धन है, लेकिन जिस घर में बेटी है वो घर तो मंदिर है मंदिर। एक पिता ने, बूढ़े पिता ने रात्रि के 12 बजे बेटे से पानी मांगा, बेटे ने अनसुना कर दिया। जब ये आवाज बेटी के कानों में पड़ी तो बेटी रात के 12 बजे पानी लेकर के आ गई। तो बेटियां घर की रौनक अमानत रही, बेटियां घर की रौनक अमानत रही, हस्तियां इनकी दम पर सलामत रही। एक घर में नहीं दो घरों में प्रकाश फैलाती बेटियां, जब ठुकरा दे बुढ़ापे में माँ बाप को बेटे तो ये सहारा देती हैं बेटियां। हमारी कामना क्या है? आंगन की कली सज धज कर दुल्हन बन जाए नवेली, पानी की कली सज कर दुल्हन बन जाए नवेली। I'm
जीवन के राह मिलेंगे हम राह आरे हम गोरी एक वर और एक कन्या। तो आज हमारी बेटी की शादी है, विवाह है, आप सभी बैठे रहें इस आशा विश्वास के साथ ये धनुष टूट जाए और सीता जो जयमाला लेकर के बैठी है अपने वर के गले में जयमाला डाल दे। तो एक बार सभी मिथिलावासी बोलें बोलो शंकर भगवान की जय। हाँ चलते हुए हमारे कुल पुरोहित सत्यनंद जी को कौश के मन पे तुरत पठा यहाँ बुलाया जाए। मुझे एक अति आवश्यक कार्य है। पठा लो महाराज हम क्या गुरुदेव से। अच्छा हाँ तो गुरुदेव कहाँ गए? गुरुदेव गुरुदेव को हमने भेजा कहाँ? हमारे सुख सदन में गाधि सुवन विश्वामित्र के साथ में दो कुमार राम लक्ष्मण ऋषि मंडली सहित विराजमान हैं। अगर वो यहाँ रंगभूमि में आ जाएंगे तो हमारा ये जो रंगशाला है रंगशाला की शोभा अलौकिक हो जाएगी। तो गुरुदेव गुरुदेव गुरु एक काम करना है तुम्हें। क्या महाराज? गुरुदेव गए हैं सुखद सदन मुनिवर को यहाँ बुलाने को तत्पर हो जाओ सेवा में तत्पर हो जाओ सेवा में तुम मारक सुमन बिठा देखो तत्पर हो। ये मन कुसुम खिल जाएगा अगर वो आए यहाँ जीवन सफल हो जाएगा। आते होंगे तो मार्ग में फूल बिछा दो इसकी हमारा आदेश। जय हो महाराज। आपका कथन हुआ कि जो दोनों राजकुमार महामुनि दुष्यंत महाराज के साथ सुख सदन में ठहरे हैं उनको बुलाने के लिए गुरुदेव गए हैं सत्यनंद महाराज तो किसी प्रकार का उन्हें कष्ट नहीं होना चाहिए। अवश्य महाराज सुख सदन से लेकर यहाँ तक फूल ही फूल बिछा दिए जाएंगे चिंता न करें। समस्त हम प्रवासी तत्पर सेवा में हरते जनक देख दो भाई मुनिपति कमल कहे तब जाई। आज यहाँ पर आपका पदार्पण हुआ आज मेरा जीवन धन हो गया। हरसे जनक देख दो भाई आज अपार प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। हे दयानिधि दीन को
हे दयानिधि दीन का देने दया का दान आए, साथ में सुंदर सलोने लाले सुख धाम जाए। आज जो झांकी लखी तो मन कुसुम ये खिल गया है, आज तो ऐसा लगा निर्धन को कोई धन मिल गया है। आपकी बड़ी कृपा है, जय हो। कर विनती निज कथा सुनाई, हे नाथ ये हमारी कथा नहीं है। अगर बेटी सीता न होती तो शायद ये कथा न होती, कथा बन गई। क्या कथा बनी सुनो, कि सुनो नाथ मेरी करुण है कहानी, सुनो नाथ मेरी कई वर्ष मिथिला में, कई वर्ष मिथिला में परसों पानी, सुनो नाथ मेरी करुण है कहानी। पानी नहीं बरसा, मैं विद्वानों के पास गया, ब्राह्मणों ने कहा यदि राजा रानी मिलकर के पुंडरीक क्षेत्र में जाकर के सोने का हल लेकर के हल कर्षण करें तो ये समस्या हल के माध्यम से हल हो सके। मैंने अरदानी ने हल का जलाया, मैंने और रानी ने हल का जलाया, हल का हल दास निकली मेरी बिटिया रानी, दास निकली मेरी बिटिया रानी। पृथ्वी से हमें ये सुन सोने के कलश में ये लाली प्राप्त हुई तो नाम जानकी परम पुनीता नारद आए कहो कुन सीता। एक रोज सीता ने अज गौ उठाया, ये सुन के नाथ मैं घबराया, सीता जब इतनी बलवान तो घर की खोज कैसे हो, प्रण कर दिया। थोड़े वीर धनुआ सौंपू सीता दयानी, सुनो नाथ मेरी करुण है कहानी। ये कहानी बन गई। आज सीता के स्वयंवर का अंतिम दिन है, चाहता हूँ भगवान शंकर का अजगर टूट जाए और सीता की सुनी मांग में सिंदूर भर जाए, डोली में बैठ करके जानकी बस विदा हो जाए, हाथ पीले करके कन्यादान कर दूं, यही एक अभिलाषा है। रंग अवनि सभी मुनि ही दिखाई, और ये रंगशाला का जो निर्माण किया गया मिथिला के सुंदर सज्जाकारों के द्वारा
चाहता हूँ आप रंगशाला का अवलोकन करें, ऐसी हमारी प्रार्थना। परम ज्ञानी महाराज जनक, तुम्हारी वाणी और वक्तव्य से ये सिद्ध हो गया, जानकी का सुंदर परिचय बताया और ये आयोजन का प्रयोजन भी अवगत कराया, इस प्रकार से आपका प्रण हुआ है। अब आपका हृदय चाहता है कि जो मैंने प्रण किया है इसकी प्रण की पूर्ति हो जाए। हम आशीर्वाद देते हैं जिसके सहारे से तुमने ये प्रण रखा है, अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। हे ज्ञानी जनक, साधारण नहीं हो, परम ज्ञानी हो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, हमारा आशीर्वाद है। आगे कहो क्या लालसा है। हे नाथ, चाहता हूं इन बालकों से मैं कहूंगा या आप कहें कि रंगशाला का वर्णन करने की कृपा करें, कहीं कोई रंगशाला में कमी तो नहीं है। ये आयोजक हूं मैं, जानना चाहता हूं कहीं कोई अभाव। भल रचना मुनि निरपसन कहे। राजा जनक, तुम्हारी ये जो रचना है भल रचना है, अवर्णीय है, अकथनीय है, इसका वर्णन नहीं हो सकता है। 72 कोष का जो पंडाल लगा हुआ है, चारों दिशाओं में जब दृष्टि डालता हूं तो ऐसा लगता है कि बड़ा ही सुहावना ये पंडाल और ये मंच सभी प्रकार से सुशोभित है। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति, इसका वर्णन मैं नहीं हमारे शिष्यों के द्वारा किया जाएगा। वही सुंदरता यहाँ है, उस सुंदर हमारे साथ कुमार है, धर्मात्मा राम एवं लक्ष्मण। ये बड़ा ही पुनीत समय आया, महाराज जनक के द्वारा ये कह दिया गया कोई इसमें कमी तो नहीं है, चारों ओर दृष्टि गोचर करके इसका निरीक्षण करो और ये पता लगाओ कि कोई कमी तो नहीं है इसमें। यदि कोई कमी तुम्हें दिखाई दे तो अवश्य इनके सामने वक्तव्य रखो, उसकी पूर्ति अवश्य की जाएगी। कहें बंधु, आदेशित किया जा रहा है बेटा राम लक्ष्मण, रंगशाला को देखो, बताओ ये रंगशाला तुम्हें कैसी लग रही है। प्रथम में तो लक्ष्मण, पिता तुल्य राजा जी जनक के द्वारा इस रंगशाला का निर्माण करवाया गया, ये हमारे पिता सम है। किसी भी पुत्र को पिता की उत्तर पुस्तिका जांचने का कोई अधिकार नहीं होता, फिर भी आदेश यहाँ से मिल रहा है तो मात पिता प्रभु गुरु का वाणी में नहीं विचार करिए, हमें रंगशाला का अवलोकन अवश्य ही करना होगा। आओ लक्ष्मण देखो ना, प्रथम में तो लक्ष्मण मैं ये कहूंगा